स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 17 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोड रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज रहेगी। स्पेशल नॉलेज में WTO को डिस्कस करेंगे, स्टेट में पंजाब को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके में विभिन्न संगठनों के मुख्यालय हम डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है एंड तक। ओके, मोटिवेशन कोड देख लेते हैं क्या है। आपकी समस्याएँ आपको रुकने का संकेत नहीं देती, बल्कि वो लक्ष्य के रास्ते का मार्गदर्शक होती हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको रुकने का संकेत नहीं देती, हालांकि वो आपकी जितनी भी डेस्परेटनेस है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने आप डेस्परेट हैं उसका टेस्ट लेने के लिए आती है, कि आप कितनी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए सक्षम हैं, कितने पड़ाव हैं जिन्हें पार करने के लिए आप तैयार हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने डेस्परेट हैं। ओके, तो आपको क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, जब भी कोई समस्या आपके सामने हो, तो उसे फेस कीजिएगा। देखेंगे अगर आप में फेस करने की मोटिवेशन आ जाएगा, फेस करने के लिए आप विल, आपका कॉन्फिडेंस विल्ट होएगा, तो आपका जो लक्ष्य है वो अब स्वतः आपके पास आता जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है कि आपको समस्याओं से डरना नहीं है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। ओके, वन लाइनर न्यूज़ में पहली न्यूज़ रहेगी जनवरी 2020 के लिए थोक मूल्य सूचकांक कितना रहा है। तो 3.1% जो है थोक मूल्य सूचकांक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जो रहेगी वो देख लेते हैं क्या है। किस देश ने भारत और कुछ अन्य देशों से आने वाले माल पर काउंटर वेस्टिंग ड्यूटी लगाने के लिए अपना प्रशासनिक नियम बदल दिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना प्रशासनिक नियम बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 को आधिकारिक तौर पर किसके आयोजक द्वारा बंद कर दिया गया है और ये किस शहर में होना है। तो जो बार्सिलोना है ये स्पेन में एक जगह है। इन्होंने क्या किया है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर इसके आयोजक GSMA के द्वारा बंद कर दिया है और ये बार्सिलोना में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2020 को लॉ ऑफ स्टेट विषय के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों पर केंद्रित डिफिकल्ट डायलॉग्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है गोवा के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 22 फरवरी से 1 मार्च तक की अवधि में आयरलैंड देश की सरकार आयरलैंड में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए किन 5 भारतीय शहरों में एजुकेशन इन आयरलैंड मेलों का आयोजन करेगी। अब जो आयरलैंड कंट्री है इससे आपको तुरंत एक चीज़ याद रखनी है, पॉलिटी में आप तुरंत पहुंच जाइए। नीति निर्देशक के तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल क्या होती है, डबलिन। ठीक है, और अगर करेंसी पूछी जाएगी तो यूरो हो जाती है वहाँ की करेंसी। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया है कि जैसे इंडिया के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका मन होगा कि वो आयरलैंड में जाकर स्टूडेंट जो हैं आयरलैंड में जाकर स्टडी करें, तो जो इच्छुक छात्र हैं उनके लिए 5 शहरों में एजुकेशन इन आयरलैंड मेलों का आयोजन करने वाला है। तो वो 5 शहर कौन कौन से, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई। जो कोई भी आयरलैंड में पढ़ना चाहता है तो वो इस मेले में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। हो सकता है यहाँ कुछ एग्ज़ाम होगा उसमें क्वालिफाइंग करेंगे, फिर उसमें स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा, तो जिससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द सोसाइटी फॉर इथनोफार्माकोलॉजी का उद्घाटन 15 फरवरी 2020 को किस शहर में होने जा रहा है। अब 15 फरवरी हो चुकी है तो ये होने जा नहीं रहा है, ये हो चुका है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ओके, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द सोसाइटी फॉर इथनोफार्माकोलॉजी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में 15 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019 से 2020 के लिए उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के साथ सहभागी बनने हेतु जोड़ा गया है।
तो वह है मेघालय राज्य। मेघालय की कैपिटल होती है शिलोंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी को इंडिया टूरिज्म ने किस शहर में उत्तर प्रदेश पाक शास्त्र उत्सव का आयोजन किया है? तो ये शिलोंग का एक शहर है, मतलब कि माव दियांग दियांग करके एक शहर है मेघालय का, तो वो जो आयोजन किया गया है टूरिज्म का, तो वो कहाँ किया गया है? माव दियांग दियांग शिलोंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी को पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सोसा ने जोना वास्को नसेलोस की कला का नमूना रही चा चाई कलाकृति का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। अब इसका मतलब आपको तुरंत सोच लेना चाहिए कि अब पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के दौरे पर आए हुए हैं, तभी तो इन्होंने उद्घाटन किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो जोना वास्कोनसेलोस की कला का नमूना है चाचाई कलाकृति, उसका उद्घाटन इन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2020 को किस शहर में महिलाओं और बच्चों का कौशल बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचा विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 14 फरवरी को नई दिल्ली में बच्चों और महिलाओं का कौशल बढ़ाने के लिए नीतिगत ढांचा, ये थीम रही थी, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा 43 आसान लग्जरी इलेक्ट्रिक बस रहेंगी, एक बार की चार्ज पर 300 किलोमीटर तक जा सकती है, किन किन शहरों के मध्य चलेगी? तो ये मुंबई और पुणे के मध्य में ये चलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुर्तगाल के साथ संधि की जिसके तहत कहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित किया जाएगा? तो लोथल गुजरात में। ओके, अब व्यक्ति विशेष से बात करेंगे, 15वें वित्त आयोग ने किस व्यक्ति की अध्यक्षता में रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा 5 सदस्यीय समूह का गठन किया है? तो एनके सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वार्षिक छायाचित्र प्रतियोगिता में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के विजेता कौन हुए हैं? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 के जो विजेता हुए हैं वो हुए हैं सैम रोवले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SFE हर्बल इंडस्ट्री लीडर अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो KK शर्मा जो हैं 2020 के विजेता बने हैं। SFE जीवन गौरव पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो डॉक्टर नित्य आनंद जो हैं SFE जीवन गौरव पुरस्कार 2020 के विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SFEC 2020 परिषद में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय इथनोफार्माकोलॉजिस्ट 2020 के लिए पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर राय उपटन जो हैं वे इस पुरस्कार को जीतने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा खेल से संबंधित रहेगा, बेंगलुरु में हीरो इंडियन महिला लीग 2020 किस फुटबॉल प्रतिस्पर्धा का विजेता है? तो वो है कोकलुम केरल फुटबॉल क्लब, जो भी इस प्रतिस्पर्धा हुई है इसके विजेता हैं। राज्य विशेष से न्यूज़ देख लेते हैं क्या रही है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित इको सेंसिटिव जोन स्थापित करने के लिए 377 किलोमीटर क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने इस जो भी 377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इन्होंने मंजूरी दी है, क्यों? इको सेंसिटिव जोन स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन बन सकता है, इको सेंसिटिव जोन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवर्तन कुंभ का आयोजन 17 से 18 फरवरी को किस शहर में किया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। लखनऊ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो डेफ एक्स पो कॉन्क्लेव हुई है 2020 की, वो कहाँ पर हुई है? तो वो हुई है लखनऊ के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ 3 प्रत्यक्ष धान खरीद केंद्रों का संचालन करेगा? तो जो कराईकल क्षेत्र है वहाँ पर प्रत्यक्ष धान खरीद केंद्रों का संचालन करेगा। कौन करेगा? पुडुचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली तहसील कहाँ है जिसने ISO 14001 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है? तो लखीमपुर की जो तहसील है ये प्रथम तहसील है जिसने ISO प्रमाण पत्र प्रदान कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्य पर्यटन विभाग ने जल आधारित पर्यटन प्रकल्प के विकास के लिए केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो ओडिशा सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो राज्य पर्यटन विभाग है ओडिशा सरकार का, तो उन्होंने जल आधारित पर्यटन प्रकल्प के विकास के लिए केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब आपको क्या पता है, क्या याद रखना है, केरल और ओडिशा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जल आधारित पर्यटन प्रकल्प को विकास करने के लिए। ओके, ओडिशा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर और वहाँ के जो CM है उनका नाम है नवीन पटनायक जी। गणेशी लाल वहाँ के जो राज्यपाल हैं। भीतर कनका नंदन कनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क जो है वो आपको ओडिशा के अंदर मिल जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में आपको मिल जाएगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में जो यूनिवर्सिटीज़ के गेम होंगे वो ओडिशा के अंदर ही होंगे। अब यूनिवर्सिटीज़ खेलो इंडिया के जो गेम होंगे 2020 के, ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर भी होंगे, और जो खेलो इंडिया के गेम्स हुए हैं अभी वो गुवाहाटी में हुए हैं असम के, और जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो भी गुवाहाटी के अंदर हुआ है। ठीक है, अब ज्ञान विज्ञान से न्यूज़ देख लेते हैं क्या रहेंगे। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेटल कार्बाइड नैनो पार्टिकल की खोज की जो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन ईंधन में परिवर्तित कर सकता है? तो USC बिटर्वी स्कूल ऑफ इंजीनियर इन्होंने क्या किया, ये अमेरिका के एक स्कूल इंजीनियरिंग स्कूल है, इन्होंने क्या किया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन ईंधन में परिवर्तित कर देगा। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। क्या एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सभी को पता है चिल्का झील है, जो कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में दया नदी के मुहाने पर है। ठीक है, FCI भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रोम में। फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर अगर पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे जो, एक मिनट, नाम स्लिप हो रहा है माइंड से, एक पंजाबी महिला है और उनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो वटेंडा पंजाब है, नाम नहीं ध्यान आ रहा है हमारे। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी होती है डबलिन और यूरो उसकी करेंसी हो जाती है, और अगर पुर्तगाल की राजधानी पूछी जाएगी तो लिस्बन और करेंसी हो जाएगी यूरो। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, उससे पहले मैं आपको बता दूं तो आपको क्या करना है, हरसिमरत कौर जो बादल है, हरसिमरत कौर बादल वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं और इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है भटिंडा पंजाब। ओके, अब डिटेल करंट न्यूज़ से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हमारे FB और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारा ऑडियो क्लिप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी ऐप को फॉलो कर लें और वहाँ पर आप ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं रिवीजन के तौर पर, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ईयरफोन लगाइए कुछ काम करते करते या कहीं जाइए भी तब भी आप सुन सकते हैं। तो हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जो भी PDFs होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वहाँ से मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, उससे अभी का बेनिफिट है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब बात कर लेंगे जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई हैं आज की। राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
तो राजीव बंसल जी जो हैं इन्हें दूसरी बार एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वह अश्वनी लोहानी का स्थान लेंगे जिन्होंने एयरलाइन के प्रमुख के रूप में अपना एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है तो बस इनका नाम आपको याद रखना है और इनकी अपॉइंटमेंट किस क्षेत्र में हुई है ये याद रखना है। राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बस ओके। अब विश्व पेंगोलिन दिवस, 15 फरवरी 2020 को नौवां विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। वर्तमान में पेंगोलिस दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाली वन्यजीव प्रजातियाँ हैं। इन्हें आमतौर पर स्किली एंटिटीज़ के रूप में जाना जाता है। ये पैमाने चीन में उच्च मांग में है जहाँ इनका उपयोग पारंपरिक चीनी दवाओं में किया जाता है। इसके अलावा चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पेंगोलिन का मांस उच्च मांग करता है। अब पेंगोलिन से आपको एक चीज़ याद आ गई होगी, जो कोरोना वायरस है जिसको WHO ने COVID-19 के नाम से नामित कर दिया है, इसका ऑफिशियल नेम कर दिया है COVID-19। तो कोरोना वायरस जो हुआ था इसका जो जिससे फैला था उसका वहाँ के साइंटिस्ट का मानना है कि वो पेंगोलिन नामक जो भी जीव था उससे फैला हुआ था। अब ये पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है, तो पेंगोलिन दिवस मनाया गया है 15 फरवरी को। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है भारत की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई और पुणे के बीच भारत की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी है। तो ये भारत की पहली बस सेवा है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, प्रथम इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है, तो मुंबई से पुणे के बीच भारत की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है नितिन गडकरी के द्वारा। यह एक 43 सीटर क्षमता वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक बस है जो एक बार चार्ज हो जाएगी फुल तो 300 किलोमीटर की सीमा के भीतर चलने में सक्षम है और साथ ही दो शहरों के बीच प्रतिदिन दो बार प्रशासित किया जाएगा इसको, ओके। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बार अगर चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रिक बस तो कितने किलोमीटर तक चल सकती है, तो 300 किलोमीटर तक चल सकती है और ये दो बार एक बार जाएगी और एक बार आएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर में पहली बार आयोजित होने वाला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, तो पहली बार वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2020 जो हुआ है जम्मू और कश्मीर में अप्रैल में होना था। देश भर के प्रमुख शहरों में 17 फरवरी से रोड शो निर्धारित किया गया है। रोड शो बेंगलुरु और कोलकाता में, 17 मुंबई से, 21 मार्च को हैदराबाद में और 5 मार्च को अहमदाबाद में और 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा, ओके। तो अब इसमें क्या है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जो कि प्रथम बार हुआ है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो ये होगा 17 फरवरी को निर्धारित किया गया है। तो बेंगलुरु और कोलकाता में तो 17 फरवरी को होगा, मुंबई में होगा 21 मार्च को, हैदराबाद में होगा 5 मार्च को और अहमदाबाद में 9 मार्च को इसे आयोजित किया जाएगा, ओके। अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। अब इसके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक। अगर यहाँ की झील पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, बुलर झील और झेलम जो है वो भी यहाँ पर ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह आपको जम्मू कश्मीर भी याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान और किस्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेंगे। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान तो एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था WTO को हम कोई भी जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है 2 डेज़ कंटिन्यू डिस्कस करते हैं जिससे आपको लर्न हो जाए और रिविज़न भी हो जाए।
तो WTO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिल जाएगा। सदस्य देश वर्तमान में 164 है। 164वां जो सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान। महानिदेशक की बात करेंगे तो रॉबर्ट एजोवेडो हैं जो कि ब्राज़ील के हैं, वो अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं WTO के। विश्व व्यापार संगठन का इतिहास जो है 15 अप्रैल 1994 से प्रारंभ होता है जब मोरक्को के शहर मराकेश में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जिसे गैट कहते हैं के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी। वस्तुतः इसी सम्मेलन में गैट को नया नाम विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO दिया गया था। यह संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आ गया। इसके प्रथम स्थायी सदस्य थे इटली के प्रमुख व्यवसायी रेनेटो रुगियारो बनाए गए थे। अब विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है तो इसका उद्देश्य तो कुछ ना कुछ हो नहीं है, तो इसका उद्देश्य क्या था? पीटर सदरलैंड ने अपने एक भाषण में कहा था, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों को व्यापार एवं तकनीकी क्षेत्रों में एक नई राह पर लाना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में मुक्ति, अधिक पारदर्शिता, अधिक अनुन्मयन व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका हेडक्वार्टर तो बहुत जल्दी से याद रख लेना है अच्छी वाली मेमोरी में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ है WTO का? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। WTO की फुल फॉर्म अगर पूछी जाएगी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर नवीनतम देश पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान। महानिदेशक पूछे जा सकते हैं रॉबर्ट एजोवेडो जो कि ब्राज़ील के हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्टेट। स्टेट में हम आज फिर डिस्कस करेंगे पंजाब को। पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर जो है लुधियाना है। राज्य की पक्षी पंजाब का नीलकंठ है। राज्य की पशु कृष्णसार है। जिले पंजाब में 22 हैं। राजभाषा पंजाबी है और हिंदी भी है। अगर गठन की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था पंजाब का गठन। राज्यपाल वर्तमान में है बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 117 हैं। राज्यसभा की सीटें 7 हैं और लोकसभा की सीटें जो हैं 13 हैं। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 22। अगर लोकसभा पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे 13 और राज्यसभा पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे 7। ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णा मुरारी। अब सीमा किस किस से उत्तर प्रदेश की टच होती है, सॉरी पंजाब की टच होती है? तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से, पूर्व में हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण में हरियाणा से एवं राजस्थान से, तथा पश्चिम में पाकिस्तान से जो सीमा है पंजाब की टच हो जाती है। बाघा बॉर्डर वहाँ पर है जो वहाँ पर पाकिस्तान टच होता है। पर्वत पंजाब में है, पीर पंजाल है, धौलाधार पर्वत है। शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं वो आपको पंजाब के अंदर मिलेंगी। अगर नदियाँ पूछी जाएंगी तो 5 नदियाँ हैं। 5 नदियों के नाम पर ही, 5 नदियों के संगम के नाम पर ही पंजाब का नाम पड़ा है पंजाब। सिंधु, रावी, व्यास, सतलज और झेलम नदी जो है वो आपको पंजाब के अंदर मिलेगी। ओके, झील की बात करेंगे तो हर की पत्तन झील जो कि अमृतसर में है वो आपको पंजाब के अंदर ही मिलेगी। मुख्य फसल यहाँ की गेहूं और चावल है। अगर मुख्य व्यवसाय पूछा जाएगा तो कपड़ा उद्योग और यूनि उद्योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। प्रमुख त्यौहार की बात करेंगे तो बैसाखी और गुरु पर्व जो है वो पंजाब के प्रमुख पर्व हैं। और नृत्य की बात करेंगे तो भांगड़ा जो है पुरुषों के लिए और गिद्दा महिलाओं के लिए प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग जो कि 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटित हुई थी जालियांवाला बाग वाली, और स्वर्ण मंदिर आप सभी को पता है अमृतसर में, और दुर्गियाना टेम्पल। ओके, वन्यजीव बिहार में अबोहर, वीर बुनार, हेरी वन्यजीव बिहार, वीर मोती बाग वन्यजीव बिहार, हरी के झील, वीर गुरदयालपुर। अब शोध एवं अनुसंधान संस्थान पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, ताप विद्युत ग्रह जो है एक वो रोपड़ में है। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में हम डिस्कस करेंगे विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय।
अंतर्राष्ट्रीय सम संगठन जो है वो जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है वह भी जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन जो है वो जेनेवा में आपको मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, विश्व मेटेरियोलॉजिकल संगठन जो है वो जेनेवा में मिलेगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा में है, रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जेनेवा में है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्वेज का जो मुख्यालय है वो भी आपको जेनेवा में मिलेगा, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा में मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का मुख्यालय आपको जेनेवा के अंदर मिलेगा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन का मुख्यालय जो है वो आपको जेनेवा के अंदर मिलेगा, यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जेनेवा में है और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय आपको जेनेवा के अंदर मिलेगा। आई होप आपको अब याद हो गया होगा क्योंकि हम सेकेंड टाइम इसे रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो कल से टॉपिक चेंज हो जाएगा, टू डेज़ जो भी स्टैटिक पोर्शन रहता है वो टू डेज़ हम रिवाइज करते हैं जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए और याद भी हो जाए, और ये सारे हेडक्वार्टर हैं तो इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 में पंजाब की कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, तो सीधा सा क्वेश्चन है पंजाब में कितनी लोकसभा सीट हैं, तो पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं, 22 जिले हैं और 7 जो हैं राज्यसभा की सीट हैं। ओके, पुस्तक माइंड मास्टर के लेखक कौन है, तो विश्वनाथन आनंद जो हैं माइंड मास्टर के लेखक हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 64वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मेघना गुलजार को यह पुरस्कार दिया गया था। वन नेशन वन कार्ड स्कीम जो कि लॉन्च की गई थी वहाँ कहाँ की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद में। अहमदाबाद क्या है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर, गांधीनगर से आपको याद रखना है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर। ओके, ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होती है ASCII की फुल फॉर्म होती है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है, तो अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है जो कि दिल्ली में है। नारंग कप जो होता है किस खेल से संबंधित होता है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित होता है। बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो सौरभ गांगुली को जाना जाता है। सौरभ गांगुली के नाम से तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, अभी इन्हें दिसंबर 2019 में BCCI का अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, तो वो है संतोष यादव। अगर प्रथम महिला भारतीय पूछी जाएंगी तो वो बताए जाएंगे आप बछेंद्री पाल। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, और जो भी आपका पोर्शन आ रहा था क्वेश्चंस वगैरह का रिवीजन का स्टैटिक पोर्शन आज सेकेंड टाइम हमने डिस्कस किया, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा अपने मोबाइल के यूट्यूब में, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन कर लें PDF क्लास को लेने के लिए। और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक करने के साथ साथ आप हमारे हेलो टिकटॉक ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हमारे शेयर चैट और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर हमारा ऑडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे खबरी ऐप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी ऑडियो क्लिप सुनकर रिवीजन कर सकते हैं। ओके, और आप हम अगर डेली मोशन वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड हर जगह अगर आपको सर्च करना है तो आपको तैयारी बिगनर्स की के नाम से हमारा अकाउंट प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप सर्च कीजिए तैयारी बिगनर्स की और आपको हमारा अकाउंट प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर जगह फॉलो सब्सक्राइब लाइक कर देना है और आगे बढ़ते जाना है अपने सपनों के साथ। अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अपने सपनों को जगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और
निरंतर प्रयास करते जाइए, तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्लास को करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।